हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय पाया। क्या पाया? मैंने कुछ नहीं पाया। तो दोस्तों आते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है भाई, हम वन क्लिक में, सिर्फ वन क्लिक में हमारा जो बैकग्राउंड था पिक्स का, वो कैसे चेंज करते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। तो चलिए सीधा करते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है पिक्स आर्ट को अपने ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। और ये ओपन हो गए। यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अपने ये काम के नहीं हैं। वैसे काम के हैं, लेकिन अपने अब यूज नहीं करना इनको अभी। ये देखिए, यहाँ पर ऑल फोटोज़ में जाके ऊपर अपने को अब वो फोटो सेलेक्ट करनी है जिसका अपने को बैकग्राउंड रिमूव करना है। इस पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास कौन सी पिक पड़ी है। ये देखो, नीचे गया। चलो मैं एक, मेरे पास पिक पड़ी है राहुल गांधी की, मैं उनकी यूज कर लेता हूँ राहुल गांधी की पिक। ये देखो परफेक्ट पड़ी है HD में। ये ऐड वगैरह आ गया इस पर, और ये मैं पिक की सिलेक्ट, और इस पर हम वन क्लिक में आप देखे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो गाइज, आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कटआउट का ऑप्शन। ये देखो, ये कटआउट का ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करना है, और फिर आपको कुछ नहीं करना है। इसको साइज आप फिर आपको इधर वाले पे क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन आ रहा है बंदे का, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो थोड़ा टाइम लेगा। अब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि मेरा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ है। ये देखो, ये सब्जेक्ट पर हो गया काफ़ी तरीके से, और काफ़ी बढ़िया हो गया। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर प्लस के आइकन से बढ़िया तरीके से कर लेना, और फिर आपको कर। अब ये देखो, अब मैं इस पर सेव कर दी मैंने वो पिक। ये देखिए, जूम करके देख लिया, काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ पर सेव करी तो मैंने, यहाँ पर सेव कर देता हूँ मैं अपनी गैलरी में। ये अब फाइल सेव हो गई है। ये देखो, ऐड भी आ गया हमारे पास। अब ये फाइल सेव होने के बाद अब आपको वो बैकग्राउंड चूज़ करना है जहाँ पर आपको राहुल गांधी की पिक लगाने। कहने के मतलब, अब आपको बैकग्राउंड चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड ये देखो मैंने चूज़ कर लिया, और यहाँ पर आपको करना है ऐड फोटो में जाकर या ऐड स्टिकर में जाकर। आप ऐड फोटो में जाकर भी कर सकते हैं, और ऐड स्टिकर में भी जाकर फोटो कर सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, क्योंकि ये फोटो अपनी जो अपने अभी एडिट की थी वो अपने स्टिकर में जाकर सेव हो गया। मैं यहाँ पर स्टिकर में आया, माई स्टिकर में, ये देखो यहाँ पर सेव हो गई। अब यहाँ पर आपको जितना आपको एडजस्ट हो सके उस प्रकार से एडजस्ट करके, और इसका फिल्टर लगाना हो तो लगा लेना। यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, और आपको सिंपल सेव कर देना है। यहाँ पर सेव होने के बाद ये देखो मैंने गैलरी में सेव किया। अब आपको दिखाता हूँ मैं फ़ोटो जो सेव किए मैंने अभी। यहाँ पर देखो, काफ़ी परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड इसका जो रिमूव हो गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी तो आपके दोस्त हैं यार। और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार भाई, प्लीज़ यार, धन्यवाद।